जितिन प्रसाद ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ से उनके आवास 5 कालिदास मार्ग पर की। भाजपा प्रदेश कार्यालय से निकलकर सीधे मुख्यमंत्री आवास पर करी सीएम से मुलाकात। योगी आदित्यनाथ के कुशल निर्देशन में जो योजनाएं प्रदेश में चल रही है उन सभी योजनाओं तक जनमानस तक पहुंचने का काम करूंगा। बीजेपी पार्टी देश की पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी है और सिर्फ यही देश की एक पार्टी रह गई है। इस पार्टी में एक आम आदमी भी रह सकता है और काम कर सकता है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं को भी सुना जाता है। जब लखनऊ आए पार्टी कार्यालय पर लेके उसके बाद अभी सीएम उत्तर प्रदेश से मुलाकात करी, क्या मुद्दों पे बातें हुई? क्योंकि एक बड़ा हुआ है, आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है, काफ़ी मजबूती की। अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा कि एक अच्छी बात हुई है कि आपने पार्टी ज्वाइन करी है। बिल्कुल, जैसे कि तो आपको ज्ञात है कि कुछ दिन पहले ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी और प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और गृहमंत्री जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में मुझे भारतीय जनता पार्टी परिवार में सदस्यता ग्रहण करने का अवसर भी मिला और आज पहली बार अपने गृह प्रदेश आने का ये अवसर है। तो मुख्यमंत्री जी से मैंने आशीर्वाद भी लिया और आगे की जो जो जन कल्याण योजनाएं चल रही हैं वो कैसे जन जन तक पहुंचेंगी और कैसे पार्टी का संगठन मजबूत होगा ताकि हम देश और प्रदेश की सेवा और मजबूती से कर सकें, इस पर चर्चा। सर, अपने स्टेट है अभी, इसमें तमाम लोग आपको बीजेपी में आके किस तरीके से क्या क्या चैलेंजेस का फेस करना पड़ा, क्योंकि पहले से आपसे कई लोग जुड़े थे, अभी क्या किस तरीके से? नहीं नहीं, भारी उत्साह है हमारे समर्थकों में और ये जो मैंने निर्णय लिया ये जन भावनाओं की इच्छा के अनुसार लिया है और ये स्पष्ट दर्शाता है कि हमारे कार्यकर्ता और जहाँ से मैं आता हूँ खासतौर से भारी उत्साह है और क्योंकि पार्टी में मजबूत सशक्त संगठन भी है, नेतृत्व भी है, दिशा भी स्पष्ट है। तो जो ये पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में मैंने देखा है कि नीतियों पर निर्णय और उनका क्रियान्वयन उसमें संगठन और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को लेके ही किया जाता है और एकमात्र पार्टी है देश में आज जो ये करती है, जहाँ कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है और मेहनत के आधार पर लोगों को पुरस्कृत किया जाता है। तो मुझे बड़ा, मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मैं इसका हिस्सा हूँ।